वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने अपने आबाई ज़िला पूंछ और रावलाकोट का दो रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया है। दौरे के दौरान LOC से मुल्हिका इलाकों अब्बासपुर और हजीरा के आवाम के लिए मुख्तलिफ मंसूबों की मंजूरी भी दी गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपने इंतखाबी हलके अब्बासपुर में गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ग्रेड स्टेशन के क़याम समेत सेहत की सहूलियात फराहम करने और शाहरात की तामीर के ऐलानात करते हुए कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वाले बहादुर और जुर्रतमंद लोग भारतीय बर्बरियत इश्तियाल अंगेजी का दीदा दलेरी से मुकाबला करते हैं। LOC पर वाक़े तमाम हलकों के मसाइल को जानता हूँ। LOC के मुल्हिका इलाकों में सेहत तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी सहूलियात तरजीह बुनियादों पर मुहैया करेंगे। इस हवाले से LOC पैकेज पर काम तेज़ी से जारी है। LOC पर बसने वालों की महरूमियाँ दूर करेंगे। पाक फौज के जवानों और अफीसरों की कुर्बानियाँ नहीं भूलेंगे जिन्होंने कश्मीरों के दिफा में अपनी जानें कुर्बान की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन अब्बासपुर के अहदेदारों की तकरीब हलफबरदारी में भी शिरकत की और गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और एडिशनल सेशन जज की अदालत का इफ्तिताह किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि LOC पर खड़े होकर मकबूजा कश्मीर की बहनों और भाइयों को पैगाम देता हूँ कि आप तन्हा नहीं हैं। जिसमें रोड्स हैं, स्कूलों की बिल्डिंग हैं, सरकारी इमारात हैं, उनको सहूलतें देनी हैं, नए अदारे कायम करने हैं, नए यूनिट इंतजामी कायम करने हैं, नए हल्के कायम करने हैं, ये है। और फिर सेहत के डिपार्टमेंट को हमने इसमें लोगों को तरजीह देनी है।